दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया शो पिशाचनी 8 अगस्त से टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है, जिसके पहले एपिसोड से ही दर्शक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और लोगों में नागिन शो से ज्यादा पिशाचनी को लेकर क्रेज नजर आ रहा है। यही नहीं बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि पिशाचनी सीरियल नागिन सीरियल को पछाड़ने वाला है, साथ ही स्टार प्लस के नंबर वन शो अनुपमा को भी टक्कर देने वाला है, जिसकी वजह से ये नंबर वन शो होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं पिशाचनी सीरियल के नंबर वन शो बनने के कारण क्या हैं? आखिर कौन सी है वो वजह जिसके कारण पिशाचनी सीरियल नंबर वन होने वाला है? तो आपको बता दें, ऐसी तीन वजह हैं सीरियल के नंबर वन होने की, जिसकी वजह से शो नंबर वन होने वाला है। तो चलिए एक एक कर जानते हैं उन्हीं तीन वजह के बारे में। नंबर एक, कहानी। नागिन सीरियल की तरह ही पिशाचनी शो की रिवेंज कहानी है, जहां नागिन सीरियल में नागिन पॉजिटिव रोल में नजर आई हैं, तो वहीं पिशाचनी अपने रोल में काफी नेगेटिव हैं, जहां पर पिशाचनी शो की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जिसमें पिशाचनी रॉकी से अपना सालों पुराना बदला लेने वाली है। जहां सालों पहले रॉकी के घर वालों ने पिशाचनी को उसकी जगह से उसे बेदखल कर दिया था और कैद कर लिया था, जिसकी वजह से वो रॉकी को अपने वश में करके उसके घर वालों से बदला लेने वाली है। जहां काफी लोगों का कहना ये भी है कि पिशाचनी शो स्टार प्लस के शो नजर की तरह ही है, लेकिन नागिन शो के आगे लोगों को पिशाचनी की कहानी नागिन से काफी दमदार लग रही है। और पिशाचनी शो लोगों को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ नया देखने को मिलने वाला है, लेकिन वहीं नागिन पिछले सीजन की तरह ही मिलता जुलता हो गया है, जिसमें कुछ नया नजर नहीं आ रहा और लोग ऊब चुके हैं। नंबर दो, स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस। पिशाचनी शो के स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है, जिसमें हर्ष राजपूत, जिया शंकर के अलावा बाकी स्टार कास्ट ने अपनी अपनी एक्टिंग में ऐसी जान डाली है कि लोग कहानी से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। वहीं जिस तरह से नायरा बैनर्जी जो पिशाचनी के किरदार को निभा रही हैं, उनकी एक एक नजाकत, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लोग वैसे ही दीवाने हो गए हैं जैसे एक वक्त पर लोग नागिन के थे। लोगों का कहना है ये चुड़ैल नागिन से बहुत अच्छी है। नंबर तीन, BFX सस्पेंस थ्रिलर हॉरर शो। देखा जाए तो सुपरनेचुरल शो के BFX ही शो की जान होते हैं, और पिशाचनी सीरियल में जिस तरह से मेकर्स ने पिशाचनी के BFX पर काम किया है, वैसे बड़ी फिल्मों में के लिए जाने जाते हैं, इसलिए लोग शो से बहुत इम्प्रेस हैं। शो की VFX क्वालिटी लोगों को नागिन शो से ज्यादा अच्छी लगी है, और जिस तरह से पिशाचनी बार बार शो में हॉरर सीन के साथ आती है, वो शो को काफी हॉरर बनाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी पिशाचनी शो नंबर वन लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।